सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम जजमेंट दिया है और कहा है कि किसी को पेमेंट करने के लिए चेक जारी करने के बाद बैंक को स्टॉप चेक पेमेंट का निर्देश देना भी दोषी को जेल की सलाखों के पीछे भेज सकता है, क्योंकि अभी तक यही था कि अगर खाते में बैलेंस नहीं है तो चेक बाउंस हो जाता था और उसके बाद पेमेंट करने वाले के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई होती थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का हवाला दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर पीड़ित पक्ष शिकायत करता है तो स्टॉप चेक पेमेंट का निर्देश भेजने वाले के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई हो सकती है। सो गाइज, मेरा नाम है एडवोकेट आबिद और आज हम सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट जो कि मोदी सीमेंट वर्सेस कुचिल कुमार नंदी के केस में दिया गया है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मोदी सीमेंट वर्सेस कुचिल कुमार नंदी, ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट सेक्शन 138 का मामला है। मामला ये था कि मोदी सीमेंट जो कि एक सीमेंट निर्माता कंपनी थी जिसने कुचिल कुमार नंदी को सीमेंट बेचा, कुचिल कुमार नंदी को सीमेंट के पैसे देने थे तो उसने तीन चेक दो दो लाख के इस डेट के मोदी सीमेंट कंपनी को दिए और जिस तारीख के वो चेक थे मोदी सीमेंट कंपनी ने उस तारीख में वो चेक बैंक में डिपॉजिट किए तो उसके बाद वो चेक बाउंस हो गए। और बाउंस होने का जो रीजन दिखाया गया वो पेमेंट स्टॉपेज का दिखाया गया और उसके बाद मोदी सीमेंट ने कुचिल कुमार नंदी को नोटिस भेजा और कहा गया कि आपके द्वारा दिया गया चेक बाउंस हो गया और आपको 15 दिन का समय दिया जाता है, आप 15 दिन के अंदर हमारे पैसे दे दें। जब 15 दिन का समय गुजर गया तो मोदी सीमेंट कंपनी ने कुचिल कुमार नंदी पर सेक्शन 138 के तीन केस यानी वाद दायर किए और कोर्ट प्रोसीडिंग शुरू की। और जब कुचिल कुमार नंदी को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने कोलकाता हाई कोर्ट में सेक्शन 482 ऑफ सीआरपीसी के तहत एक पिटीशन दाखिल की और तीनों वाद को खारिज करने के लिए आवेदन किया और कोर्ट में कहा कि इस केस में सेक्शन 138 का केस नहीं बनता क्योंकि स्टॉप पेमेंट का निर्देश भेजना निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के उल्लंघन के दायरे में नहीं आता। सेक्शन 138 एनआईए एक्ट के अनुसार डिसऑनर का चेक वो इनसफिशिएंट फंड के अनुसार है क्योंकि ना तो खाते में इनसफिशिएंट बैलेंस था और ना ही कोई ओवरराइटिंग थी जिसके आधार पर 138 का केस बने। तो हाई कोर्ट ने ये माना कि ये सही कह रहे हैं क्योंकि जो रीजन था चेक बाउंस होने का वो स्टॉप चेक का था जिसके आधार पर हाई कोर्ट ने तीनों केस खारिज कर दिए। और उसके बाद मोदी सीमेंट कंपनी सुप्रीम कोर्ट चली गई और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि आप डिसाइड करें कि अगर कोई पेमेंट स्टॉप कर देता है तो ये डिसऑनर चेक है या नहीं, जिसकी वजह से चेक बाउंस हो जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने माना कि अगर कोई चेक बाउंस होता है और उसमें रीजन आता है स्टॉप पेमेंट तो वो भी डिसऑनर चेक माना जाएगा क्योंकि इस एक्ट का पर्पस यही था कि अगर दो लोगों के बीच किसी माल की ट्रेडिंग होती है तो वो विश्वास वाली हो और अगर किसी ने किसी से कोई माल खरीदा है और उसको चेक दिया है और सामने वाले ने वो चेक लेकर उसे बैंक में डिपॉजिट किया और वो चेक बाउंस हो जाता है और रीजन आता है ड्यू टू स्टॉपेज ऑफ पेमेंट तो वो भी डिसऑनर चेक माना जाएगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि अगर कोई ऐसा करता है तो वो अपनी लाइबिलिटी से नहीं बच सकता। सो गाइज, अब तो आप समझ गए होंगे कि अगर कोई व्यक्ति किसी को चेक देने के बाद उसकी पेमेंट बैंक में जाकर स्टॉप करा देता है तो वो अपनी लीगल लाइबिलिटी से नहीं बच सकता, आप उसके अगेंस्ट आपराधिक कार्रवाई कर सकते हैं। और अगर अब भी आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं।